हेलो हाय एवरीबॉडी, हाय। हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या हो गया? रुक जा रुक जा, एक कॉमन कर लूँ और उसके बाद आप एक सिंगल कर लो। दे भाई पकड़। नाम है पांडे। हाँ, काम सब नकली, बट बहुत ही अच्छा दोस्त है। अच्छा, सब सेलिब्रिटी पहचानते हैं। ओके पांडे जी, पांडे जी कैसे रोल है? कुछ यू चोपड़ा जी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज की। थैंक यू। बताइए आज कितने डंबल संबल उठाने वाले हैं? ओहो, आस्तीन वाला टॉप पहना, दिखा नहीं सकती हूँ मैं अपने डोरे शोले, फील कर सकते हो। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि आज हर कोई चर्चा कर रहा है आफताब अमीन पूनावाला की, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। हम सब ने देखा पढ़ा कि कैसे आफताब ने प्रेमी का रूप धारण करके श्रद्धा वालकर को प्यार में फंसाकर, उनका गला घोटकर, उनको मारकर, उनके शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगा दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और सारा देश, हम सब जस्टिस फॉर श्रद्धा वालकर की गुहार लगाते हैं। हम चाहते हैं कि श्रद्धा वालकर जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और उन्हें इंसाफ तभी मिल सकता है जब हमारे देश के जल्लाद, दरिंदे और हैवान जैसे आफताब अमीन पूनावाला को सजाए मौत मिलेगी। तो ये मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से और अदालत से कि ऐसे दरिंदों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा कूल गर्ल क्लब में शामिल हो गई हैं। तो मैं जिम भी ज्वाइन किया है, कूल गर्ल ने। हाँ, कल मैं फिटनेस फर्स्ट जिम पर गई थी, और वहाँ पर किसी ने पूछा, अरे आप यहाँ राखी के जिम पर? वो राखी का जिम है क्या? एग्जैक्टली। हाँ, वही तो। तो वहाँ पर गई मैं और पूछा कि क्या पैकेज है, क्या फीचर्स हैं, क्या सुविधाएं हैं। उन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो मुझे समझ में आया कि वहाँ की मेंबरशिप काफ़ी सस्ती है, तो मैंने बोला ठीक है, वाई नॉट। और मैं ज़रूर वहाँ पर भी जाना चाहूँगी, कम से कम हफ्ते में 2 बार। और अगर राखी सावंत से टकरार होती है, मुलाकात होती है, तो फिर जिम में ही शुरू हो जाएगा। आ देखें ज़रा किस में कितना है दम। अच्छा, मुझे राखी सावंत से पूछना है कि क्या वो आफताब अमीन पूनावाला को अपना भाई मानती है, और क्या वो श्रद्धा वालकर अपना भाई मानती? नहीं नहीं, वो सारे आरोपियों को अपना भाई मानती है, साजिद खान को, राज कुंद्रा को, और जिन जिन लोगों ने, तो आफताब को भी मानना चाहिए। एग्जैक्टली, जिन जिन लोगों ने लड़कियों के साथ यौन शोषण किया हो या लड़कियों का मर्डर किया हो, उन सबको क्या वो भाई मानती है? हाँ या ना में वो जवाब दे। और क्या वो श्रद्धा वालकर जी को दोषी ठहराती हैं उनकी निर्मम हत्या के लिए? और वो खुलकर सामने आए, खोलकर नहीं, खुलकर सामने आए। क्या मैंने खोलकर बोला? नहीं ना, नहीं नहीं, खुलकर। कोई बात नहीं, खोलकर भी आ सकते हैं। तो राखी सावंत, आप खुलकर सामने आकर मेरे इन सवालों का जवाब दें। और हाँ, मुझे हाल ही में पता चला कि राखी की माँ जब कैंसर से पीड़ित हुई थी, तब सलमान खान ने उनका इलाज कराया कोकिलाबेन में। तो
अगर ऐसा है तो राखी सावंत को मैं बता दूं कि हम तमाम पीड़ित महिलाएं उनके लिए आधी रात को भी खड़ी हो सकती हैं, बस वो हमें आजमा कर देखे। सलमान खान ने उन पर उपकार किया, उनकी माताश्री का इलाज कराया, हम भी करा सकते हैं। आप बताओ, आने वाले समय में अगर आप बीमार पड़ती हैं, अगर भगवान ना चाहे आपको किसी तरह की इलाज की ज़रूरत पड़े, आप हमें आवाज़ दो, आधी रात को भी आप कॉल करेंगे, हम हाज़िर हो जाएंगे। आप बस बताओ क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, आज़मा कर देखो हमें। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम आपके खिलाफ़ हैं या हम आपसे नफ़रत करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप हम पीड़ित महिलाओं को अपनी बहन नहीं मानते हो, आप केवल आरोपियों को अपने भाई अपना भाई मानते हो और बनाते हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही यानी फिक्र की बात है कि ऐसा क्यों, आप क्यों सिर्फ पुरुषों से अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं, आप क्यों उन्हें अपना भाई मानते हैं। हम में क्या कोई कमी है, हम आपकी बहन नहीं बन सकती हैं, आजमा कर देखो। ना तनुश्री दत्ता को अपनी बहन बनाया, ना सनी लियोन को अपनी बहन बनाया, ना मुझको बहन बनाया। हाँ, जो तमाम आरोपी हैं बॉलीवुड के, उनको अपना भाई मानती है, ऐसा क्यों? और शायद हो सकता है कि राखी सावंत मुझे नापसंद करती है, हो सकता है क्या? यकीनन नापसंद करती है, शायद चिढ़ती है, जलती है मुझसे। ठीक है, शरदन चोपड़ा को कुछ देर के लिए हम साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं बाकी की तमाम पीड़ित महिलाओं की। ठीक है, लिस्ट में कौन कौन है आप सब बता सकते हैं? अभी तक आपकी ज़ुबान पर वो सारे नाम आ जाने चाहिए। रेचल वाइट, हाँ, और कौन है? सिमरन सूरी, सिमरन सूरी है, एंड अहाना कुमरा है, एंड कनिष्का रानी चटर्जी, कनिष्का सोनी, लेट जिया खान, डिम्पल पॉल, और भी कई सारे नाम हैं। जैसे ये कनिष्का का नाम लिया ना मैंने। हाँ, तो कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत करके साहस पैदा करके मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ। तो मेरा सवाल राखी से ये है कि राखी, क्या ये तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? और इन महिलाओं को आप अपनी बहन क्यों नहीं मान सकते? दिक्कत क्या है? राजकुंद्रा मेरा भाई है, साजिद खान मी टू आरोपी साजिद खान मेरा भाई है, शेरलिन चोरा तुम्हारी बहन क्यों नहीं बन सकती? दिक्कत क्या है भाई, बताओ? ये तमाम पीड़ित महिलाएं आपकी बहन क्यों नहीं बन सकती? मैं बता रही हूं बार बार कि हमको भी आजमा कर देखो, हम भी आपके लिए खड़े होंगे, आधी रात को भी बुलाओ हमें। और बताइए क्या सवाल है? और हाँ, एक और बात, एक और बात, एक बहुत ही अहम बात। राखी सावंत ने, अरे बाबा, एक एक करके उनके सारे क्लेम्स। देखिए देखिए, मैं बताती हूँ। राखी सावंत ने तनुश्री के बारे में गलत बोला, एक बार नहीं कई दफा बोला, लेकिन तनुश्री ने कभी पलटवार नहीं किया। सनी लियोन के बारे में बहुत गलत बोला, सनी लियोन ने शायद एक दो बार उसे नॉनसेंस कहे कहकर, यूजलेस कहकर उस बात को टाल दिया। राखी सावंत ने इस बार एक बहुत ही सुलझी हुई बंदी से पंगा लिया। वो बंदी कौन है? आपके सामने खड़ी है। तो ये उसकी गलती है कि उसने मुझसे पंगा लिया। अब बहन, मेरे हर सवाल का जवाब तुझको देना पड़ेगा। ये बोल रही थी राखी सावंत, आपको पता है शेरलिन चोपड़ा अलीबाग में रंगे हाथ पकड़ी गई थी, वेश्या व्यवसाय करते हुए पकड़ी गई थी। अबे झूठी, झूठ क्यों बोलती? अलीबाग पुलिस ने पता क्या बोला? अलीबाग पुलिस ने अंबोली पुलिस को ये बताया कि उनके पास ऐसी कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शेरलिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी हो। छी, झूठी कहेंगी।
शर्म आनी चाहिए। अरे लोग छोटे मोटे झूठ बोलते रहते रोजमर्रा की जिंदगी में, ये बड़े बड़े झूठ बोलती, और वो भी हाँ एकदम स्ट्रेट फेस के साथ। शर्म कर, ये कोई तरीका है? अरे अटैक करना है, हमला करना है तो अच्छे से कर, तथ्यों को पेश करके कर, ये है तेरे फैक्ट्स। छी, जा अच्छे से होमवर्क करके आ। और बताइए, और क्या बोल रही है आजकल वो, कुछ नया बोला क्या? इन दिनों वो शांत है, कुछ नया बोल ही नहीं रही है। आपके अच्छा, जब कभी कुछ नया बोला ना बिग बॉस में भी साजिद खान को हाँ, अभी मैं पर्सनल ले रही हूँ। अच्छा, कौन सपोर्ट कर रहा है? सलमान खान अभी साजिद पर्सनली, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो साजिद ये क्वेश्चन है मैम कि जैसे कि आप पे आपने आरोप लगाया साजिद खान पे, मीटू का आरोप, तो सबका ये कहना अभी निकल आ रहा है कि जब आपके साथ हुआ था तब आपने रिएक्शन नहीं किया, अभी जब साजिद खान बिग बॉस के घर में है तब आपने रिएक्ट किया, तो इस पे आपका क्या कहना कि पहले आपने क्यों नहीं किया और अब क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? देखिए, मैंने सबसे पहले साजिद के बारे में खुलासा किया था जनवरी 2021 में जी, उनके बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से पहले, बहुत पहले जी। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में उसको देखकर मुझे याद आया कि अरे चलो शिकायत दर्ज करने चलते हैं, ऐसा नहीं है। पहले हिम्मत नहीं थी, 2005 में जब वारदात घटी थी तब हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, तब लगता था कि अरे मैं अगर जाकर पुलिस में शिकायत करूँगी तो क्या पता पुलिस यकीन करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वो साजिद खान है। साजिद खान कौन? फराह खान की, फराह खान का भाई। फराह खान कौन? सलमान और शाहरुख की चहेती। तो ऐसे बड़े बड़े नाम के खिलाफ हम कैसे जाएं? कौन भरोसा करेगा? हाँ, कोई यकीन करता? आज भी नहीं कर रहे। हाँ, आज भी आप आज भी नहीं कर रहे तो तब क्या करते? आज भी पूछ रहे, अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके पास कोई सबूत है, क्या करना? हाँ, मीटिंग के लिए हम जब जाते तो पर्स में स्पाई कैमरा लेकर जाना, या चिली स्प्रे, पेपर स्प्रे, ये सब लेकर जाना? तब तो किसी ने हमको बोला नहीं था, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी थी। आज समझ में आ रहा हमको कि क्या करना, कैसे करना, लोग जब बुलाते हैं अपने घरों पर हम नहीं जाते, अब ये समझ आई ना। उस समय अगर वो बोलता खुल्लम खुल्ला कि देखो मैं यौन शोषण करने वाला हूँ, सावधान रहो, तो हम जाते ही नहीं। बिल्कुल, अगर पहले से बताता कोई तो कैसे या जाते? अरे साफ साफ बोलो ना, नियत क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ, जबरदस्ती करना चाह रहे? नहीं, उसने क्या बोला था उस समय? मैं स्टोरी नरेशन देना चाह रहा हूँ आपको, मैं ऑडिशन लेना चाह रहा हूँ। तो क्या किया आपने? हमको फिल्मी प्रलोभन दिया, उसके बाद अपना लिंग स्पर्श करा लिया हमसे, तो बेहुदा बदजात कहीं का। तो आपको क्या लगता मैम कि जैसे ही साजिद खान ने किया आपके साथ, वैसे ही और बाकी एक्टर लोग के साथ होता होगा जो भी जाते होंगे ऑडिशन के में बॉलीवुड में? आपको बता दूं मैं कि कई लड़कियों ने, जैसे सलोनी चोपड़ा हैं, रेचल वाइट हैं, अहाना कुमरा है, सब ने, हाल ही में रानी चटर्जी ने भी ये बताया कि कैसे ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो, जरा दिखाओ अपनी जांघें, दिखाओ जरा अपने अपना सीना दिखाओ, क्यों? हाँ, इस तरह होता ऑडिशन? डायलॉग्स नहीं, कुछ नहीं, बस ये दिखाओ वो दिखाओ, फिर हाथ लगाता, स्पर्श लेता, घटिया कहीं का। आपने पुलिस स्टेशन गए, आपको पुलिस भी सपोर्ट नहीं की, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बॉलीवुड वाले आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस दिन मैं पुलिस चौकी गई थी, बात है 19 अक्टूबर की जी, उस दिन 29 अक्टूबर की बात है जी, जी। उस दिन मुझे सूत्रों से ये पता चला कि एक खान का कॉल वहां पर गया था, जिसने पुलिस प्रशासन से कहा कि मिस चोपड़ा का बयान ना लिया जाए, और अगर ले भी लिया तो एफआईआर दर्ज ना किया जाए। अब आप बताइए ऐसे में हम क्या करें? मैं जब जाती हूँ पुलिस के पास, वो कहती है जब ऊपर से आदेश आएगा हम तब एक्शन लेंगे। तो मैंने कहा सर ऊपर मतलब कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल, डीसीपी के पास जाना पड़ेगा क्या, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा? आप बताइए, मैं जाऊँगी? बिल्कुल बिल्कुल।
और हाल ही में पता चला कि हमारे डीसीपी ये हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, नए डीसीपी आने वाले हैं, तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाएं ताकि मैं उनके पास जाऊँ और अपनी शिकायत पेश करके पूछूँ कि सर जुहू पुलिस कहती है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक वो एक्शन नहीं ले सकती है, तो प्लीज़ कृपया करके आप आदेश दीजिए। तो जब आपने 2005 में ये लगा केस किया था तब उस समय कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, और 2021 में जब आपने किया तो भी आपको पुलिस क्यों नहीं सपोर्ट की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो बॉलीवुड है एक बहुत बड़ा नेक्सस है जी, ये लोग टॉमी पाल के रखते जी जी, हाँ जब कोई महिला शिकायत करने जाती है यौन शोषण के खिलाफ अपने टॉमी छोड़ देते, जा टॉमी जा, वो आती ऐसे भग भग के, भग भग के आती, वाँ वाँ वाँ, ये पॉर्न स्टार है, वाँ वाँ वाँ, ये बाजारू है, वाँ वाँ वाँ, बाओ 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 बाओ, ये तो ये है, ये तो वो है, बाओ बाओ बाओ, मैं काट लूंगी, मैं इसको एक्सपोज कर दूंगी, बाओ बाओ। अरे शांत हो जा टॉमी, शांत हो जा, हाँ हम भी देते हड्डी जी, बिल्कुल हम भी देते, हमको भी बुलाओ आजमाओ, हम भी हड्डी देते है, हमारे पास भी हड्डी है। तो आप अभी इसी बीच अभी राखी सावंत, जिस हिसाब से राखी सावंत आपके साथ इतना कर रही हैं, आप उन पे क्या कहना चाहेंगी कि राखी सावंत आपको सपोर्ट करने के बजाय वो साजिद खान को सपोर्ट कर रही हैं? एग्जैक्टली, देखिए एक महिला होकर आप हम पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं, हालांकि वारदात के समय आप नहीं थे मौजूद, आपको बिल्कुल पता भी नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ जी, किस हद तक हुआ जी, ठीक है, लेकिन एक महिला होते हुए आज आप मुझे बोल रहे हैं कि देखो आपके आपके आरोपों में अगर सच्चाई हो, सच्चाई है तो आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए, ये आश्वासन आप दे रहे हैं एक महिला होते हुए, और एक महिला होते हुए वो क्या कर रही है, बाओ 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 बाओ, क्या है ये, हाँ वो बोल सकती है अरे शर्लिन बहन अगर तुम्हारे आरोपों में सच्चाई है, तुम तमाम पीड़ित महिलाओं के आरोपों में सच्चाई है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम तमाम महिलाओं को न्याय मिले, इंसाफ मिले, बिल्कुल बिल्कुल, आरोपी की बहन होते हुए मैं ये कह रही हूँ, इतना जिगरा है मेरा, इतना बड़ा दिल है मेरा, तो ऐसे नहीं बोलती है वो, अरे ये तो पॉर्न स्टार है, आपको पता है, आपको पता है अलीबाग में, अलीबाग में वो ना रंगे पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई, वैश्या व्यवसाय करते हुए, अब देखो ये क्या कर रहे हैं जी, इनकी रणनीति क्या है समझो आप, ये चाहते हैं कि हम पीड़ित महिलाओं की अखंडता और विश्वसनीयता एकदम खारिज हो जाए, घट जाए, ताकि आगे चलकर लोग हम पर यकीन ना करें, भरोसा ना करें, ये है तरीका। उसकी वकील बोलती है मैं एनजीओ फाउंडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे शर्म आनी चाहिए आपको फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, एक महिला वकील होते हुए आपने एडवोकेट्स एक्ट 1961 का उल्लंघन किया, आपको नहीं पता एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या कहता है, कोई भी वकील ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना ही पर्सनल कैपेसिटी में और विरोधी पार्टी को, विरोधी पार्टी के खिलाफ ना कोई गैर कानूनी कार्य कर सकता है ना ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, जाकर पढ़ो, लॉ की पढ़ाई नहीं की आपने, बिल्कुल सही, थैंक यू, धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन है,